हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मैनी फोर लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी अलाउड। ठीक है, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार लेटर कोड बनाने हैं। यहाँ पे यूज़ क्या करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो उसके फर्स्ट 10 लेटर्स का ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 10 लेटर जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं वो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। हमने इन्हीं का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू ये होगी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसमें डायरेक्टली बोला हुआ है इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन जो है इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है चार लेटर कोड बनाना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है उसमें हमें देखो इस वाले केस में हम इन 10 में से 10 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमें 10 डिफरेंट बेज हैं इसमें इसको अरेंज करने की। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंड ऑफ इसमें 10 में से 10 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक यूज़ कर लिया तो फिर बचे हमारे पास लेफ्ट कितने बच गए, 9। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 10 जो एक यूज़ हो गया वो यूज़ दोबारा नहीं करना है, तो यहाँ पे हम 9 लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इस वाले केस में अब दो लेटर हमारे यूज़ हो सके हो गए हैं तो उसमें बचे हैं 8 लेटर, तो यहाँ पे 8 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट बेज में। ठीक है, मल्टीप्लाई लास्ट केस में यहाँ पे 3 लेटर यूज़ हो गए थे तो बचे थे 3 7, तो 7 को डिफरेंट बेस में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5040, 5040 जो है टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है इस केस में। ठीक है, तो 4 लेटर कोड पॉसिबल आर 5040। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। इसमें भी रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। इसमें हमने 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है, और नंबर हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स टोटल नंबर कितने हो गए हैं, टोटल जो नंबर बने हैं वो कितने हो गए हैं, ये 10 नंबर है। हम इन 10 नंबर्स को यूज़ करके यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, और बोला हुआ है कि इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, तो पहला प्लेस तो फिक्स्ड है 6 से, दूसरा प्लेस भी 7 से फिक्स्ड है। अब हमारे पास 3 ही जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 7 ये दोनों ही नंबर हमारे यूज़ हो चुके हैं, और बोला हुआ है एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस कि जो कोई भी डिजिट है वो एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करनी है हमने। ठीक है, तो 6 और 7 जो थे वो तो यूज़ हो गए। अभी रिमेनिंग नंबर जो बचे हों वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे पास 8 लेटर बचे हुए हैं अभी। अब इनका यूज़ करके इस वाले जगह पे अगर हम इन 8 लेटर्स को अरेंज करें तो 8 डिफरेंट बेज में सभी को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक यूज़ कर लें उसके बाद बचेंगे हमारे पास 7 लेटर्स, तो इस वाली प्लेस पे हम 7 लेटर्स को डिफरेंट बेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी यूज़ कर लिया तो उसके बाद लेटर बचे 6 6 को डिफरेंट बेज में यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो 8 7 56 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन गया 6 6 36, 6 5 30 +3 36, तो 336 डिफरेंट बेज में जो है हम इसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो निकाला है हमने, ये निकाला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के यूज करेंगे, ठीक है। तो देयर आर 336 बेस पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।